हेलो दोस्तों, आज हम आपके 12वें पाठ का, जिसका नाम है सपूत, उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है श्री कृष्ण, और इस पाठ में तीन औरतें जब आपस में बात कर रही थी, तो वह अपने अपने लड़कों के अच्छाई यह बता रही थी, अपने अपने लड़कों के गुणगान गा रही थी। और इसमें से पहले दो औरतों के, जो कुछ भी लड़के थे, बच्चे थे, वह बहुत धैर्यवान और बहुत ही साहसी थे। लेकिन तीसरे औरत का बच्चा बहुत धैर्यवान और साहसी और बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसके भीतर बहुत सारे अच्छे गुण थे, वही इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए इस पाठ के स्वाध्याय के ओर अब हम बढ़ते हैं। इस पाठ के स्वाध्याय में हमें प्रश्न पूछा गया है कि तीनों स्त्रियों ने अपने बेटों बेटे की कौन सी विशेषताएं बताई। तो पहली स्त्री ने कहा कि उसका बेटा बहुत ही विद्वान है, वह बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है, वह आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बताता है, वह देश विदेश की भी बातें उसे पता है। दूसरी स्त्री ने कहा कि उसका लड़का पहलवान है, वह बहुत ही बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला करता है। और तीसरी स्त्री ने कहा उसका लड़का बहुत ही सीधा साधा और सादे स्वभाव का है। और इस तरह से इस पाठ में वह तीनों औरतें अपने अपने बेटों के बारे में बात कर रही थी। तो अगला सवाल यह है इस स्वाध्याय में कि अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करो। यह प्रश्न आपको चर्चा करने के लिए दिया गया है। उससे अगला जो कुछ भी सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वह सवाल आपके ज्यादा प्रैक्टिस के लिए है। पहला सवाल देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। में से पहला, पनघट पर कितनी स्त्रियां पानी भरने आई। पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भरने आई। अगला सवाल, पहली स्त्री अपने पुत्र के बारे में क्या विशेषताएं बताए। पहले स्त्री ने कहा कि उसका लड़का बहुत ही विद्वान है, वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है। तीसरा सवाल, दूसरी स्त्री ने क्या विशेषताएं बताई। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि उसका लड़का बहुत ही बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती करता है। चौथा सवाल, तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या विशेषताएं बताई। तीसरी स्त्री ने कहा कि उसका लड़का बहुत ही साधा स्वभाव का है। और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि तीनों में से सपूत किसका लड़का था। तीनों में से सपूत तीसरी स्त्री का लड़का था, क्योंकि उसने अपनी माँ के सिर पर से घड़ा लिया और घर चला गया। और इस तरह से हमारा इस पाठ का, 12वें पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय था, वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको एक छोटे से स्वाध्याय में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो कुछ भी ऑफिशियल नंबर है, उस पे भी आप मैसेज के स्वरूप में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से हमारे लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए हमारा जो कुछ भी सेकेंड चैनल है, जिसका नाम है गुरुवर अकेडमी लाइव चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बच्चों, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको कक्षा 5वीं हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियो मिलेंगे, तो उसे देखिएगा, उन्हें देखिएगा, उनके बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगले पाठ और कविता के स्वाध्याय के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों।